उत्तराखंड में भारी वरसाद लीधे जनजीवन अस्तव्यस्त थी गयु। भारी वरसद लीधे भूस्खलन थता नेशनल हाईवे 250 बंद कर राज्य तमाम मार्गो बंद थी गया। उत्तरकाशी जिला पुरोलो गांव में शुक्रवार मोड़ी रात्र वादर फाटा अनेक घरों नुकसान थे। नुकसान एटलू बधु थे कि तेने अंदाज लगवो मुश्किल छे। हरियाणा हथनी कुंज बेरेज में 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ाता यमुना नदी जलस्तर में दिल्ली सरकार हाई एलर्ट पर राख्य। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी वरसाद थता हथनी कुंड बेरेज में पानी छोड़वामां आव्युं हतुं। आ स्थिति ने ध्यान में राखी सरकार सावचेती भागरूपे पगला लेवानुं शुरू कर्युं छे। हवामान विभागे वरसाद की स्थिति ने ध्यान में रखता हिमाचल प्रदेश में 25मी और 26मी जुलाई रोज ऑरेंज एलर्ट जाहिर कर प्रदेश अनेक क्षेत्रों में 1-2 दिवस वरसादी सिस्टम सक्रिय बनी है। हिमाचल प्रदेश सिरमौर जिला में 195 मिली वरसद खाप्यो। हवामान विभागे राज्य में जुलाई 2023 और 24 जुलाई में येलो एलर्ट जाहिर कर। उत्तर प्रदेश नोएडा में हेडन नदी जलस्तर में वधारो थता तटीय विस्तारों पास आवेला घरों में पानी घुसी गया था। सावचेती भागरूपे स्थानिक वहीवटी तंत्र लगभग 1000 थी वधु लोगों स्थलांतर कर्यु। हेडन नदी में 10000 क्यूसेक पानी छोड़वामां आवता नदी जलस्तर में वधारो थयो हतो। महाराष्ट्र यवतमला भारी वरसद कारण सर्जाई पूर की स्थिति कारण फसाये 100 लोगों सुरक्षित बाहर काढ़ा। महाराष्ट्र सरकार डिजास्टर रिस्पोन्स फोर्से बचाव कार्य में हेलिकॉप्टर ने मदद ली थी। प्रदेश उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीसे ट्वीट कर बचाव अभियान विषे जानकारी आपी थी। मुंबई और तेना आसपासना क्षेत्रों में भारी वरसद की स्थिति ने ध्यान में रखता नीचाणवाड़ा विस्तारों में पानी भराया था। पानी भरावाना कारण लोगों ने ट्राफिक सहित अनेक हालाकी सामनो करो पड़ो। हवामान विभाग प्रमाण महाराष्ट्र पालघर थाने रायगढ़ रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिला में 23 जुलाई रोज भारे थी अति भारे वरसद पड़ सके। पंजाब जालघर में मुसलधार वरसाद पड़ता अनेक निचाणवाड़ा विस्तारों में पानी भराया था। शहर के केटलाक विस्तारों में लोगों घर और दुकानों में पानी घुसी गया था। निचाणवाड़ा विस्तारों में पसार थती वक्त केटलाक लोगों वाहन पन बंद पड़ गया था। तेना कारणे लोगों ने हालाकी सामनो करो पड़ो हतो। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन की स्थिति ने कारण भूस्खलन ने कारण प्रदेश में 3 स्थलों पर नेशनल हाईवे नंबर 5 बंद कर प्रदेश किन्नौर और शिमला जिला में भूस्खलन ने कारण हाईवे ने बंद करो पड़ो हतो। स्थानिक वहीवटी तंत्र हाईवे ने वाहन व्यवहार में खुल्लो मुकवाना काटमाट हटावानी कामगिरी शुरू करी हती। बेपॉइंट 5 टन टामेटा धरावता ट्रक ने हाईजेक करवाना मामला में पुलिस तमिलनाडु में आरोपी दंपति की धरपकड़ करी हती। पुलिस जणावे छे के वेलोर में रहता आरोपी भास्कर और सिंधुजा हाईवे पर चोरी करती गैंग सभ्य छे। आ गुना में संडोवायेला अन्य 3 आरोपी हजू फरार छे। 8 जुलाई रोज चित्रदुर्ग जिला चिक्काजला पास आरोपी ने खेडूत पास थी पैसा की मांग करी हती। पश्चिम बंगाल उत्तर दिनाजपुर में इस्लामपुर बजार में कापड़ा व्यापारी पर कर हमला विरोध में अन्य दुकानदारों ने स्वैच्छिक बंद पाड़ो हतो। हमला विरोध में अन्य दुकानदारों दुकाने बंद राखी थी। आ मुद्दे बात करता उत्तर दिनाजपुर भाजप जिला उपाध्यक्ष सुराजित सेने जणाव्युं के केटलाक असामाजिक तत्वों लोग पास थी पैसा मांगे छे। बांग्लादेश छत्रकांडा में तड़ाव में पेसेंजर बस पड़ जता ओछा में ओछा 17 लोगों मौत थया छे। मृतकों में 3 बाळकों शामिल छे ज्यारे 35 लोगों ने इजाओ थई छे। आ घटनाना साक्षीओ ने दुर्घटना पाछळ ड्राइवर की बेदरकारी ने जवाबदार गणावी छे। पेसेंजर फिरोजपुर जई रही थी त्यारे बारेश्वर खोलना हाईवे पास आ दुर्घटना बनी थी। मध्यप्रदेश कूनो नेशनल पार्क में चित्ताना वत्ता जता मृत्युआंक कारण हवे प्रवासी बंद कर सतत मृत्यु बाद खुला जंगल में चित्ताओं ने पकड़ने आरोग्य तपास पांजरा में रखा। 4 महीना में 8 चित्ता मौत बाद तमाम चित्ताओं की हेल्थ चेकअप शुरू कर हेल्थ चेकअप करने जंगल में खुला में छोड़ चित्ताओं ने पकड़ने कवायत शुरू कर। छत्तीसगढ़ पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता रमण सिंह जणाव्युं छे कि ममता बेनर्जी पश्चिम बंगाल में कायदो और व्यवस्था की स्थिति ने सांभळी शक्या नथी। प्रदेश में असामाजिक तत्वों द्वारा गुनाखोरी आचरवामां आवे छे। आवा तत्वों लोगों ने डरावा धमकावानुं काम करे छे। ममता बेनर्जी देश अनेक मुद्दाओं पर पोतानी वात आक्रमकता साथे राखे छे परंतु तेमना राज्य में बनती घटनाओं ने अटकवानो प्रयास करता नथी।
केंद्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमरे राजस्थान सरकार पर आकरा प्रहार करता जणाव्युं छे के प्रदेश में महिलाओं विरुद्ध जे अत्याचार थया छे तेनाथी राज्य में कायदो अने व्यवस्था की स्थिति ने अंदाज लगावी शकाय छे। राजस्थान अराजकता की स्थिति छे। राजेन्द्र गुड़ाए प्रदेश में कायदो अने व्यवस्था की स्थिति पर सदन में सवाल करता तेने सुधारवानी जग्याए राज्य सरकार तेमना धारासभ्य विरुद्ध कार्यवाही करी। देश में बहुभाषी शिक्षण ने प्रोत्साहन आपवा माटे सीबीएसईए शालाओं ने भारतीय भाषाओं शिक्षण माध्यम तरीके अपनावानी मंजूरी आपी छे। सीबीएसईए नवी शिक्षण नीति 2020 हेठ आ निर्णय अंगे तमाम संलग्न शालाओं ने पत्र लख्यो छे। बोर्डे तमाम शालाओं ने तेमनी पासे उपलब्ध माध्यमों अनुसार शिक्षण वैकल्पिक माध्यम तरीके भारतीय भाषाओं उपयोग करने जणाव्यु छे। दिल्ली महिला पंचना अध्यक्ष स्वाति मालीवाले जणाव्यु छे कि मणिपुर में दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न भोग बननार महिलाओं ने मदद उपलब्ध करावा माटे प्रदेश की मुलाकात लेवा माटे राज्य सरकार ने पत्र लख्यो हतो। जो कि तेना जवाब में मणिपुर की सरकारे कायदो और व्यवस्था की स्थिति नु कारण टांकी यात्रा मौकूफ राखवानी सलाह आपी हती। मणिपुर में महिलाओं ने निर्वस्त करीने परड करावानो वीडियो सामे आव्या पछी हवे पूर्वोत्तर अन्य राज्यों में पण वंशीय भेदभाव तनाव की मांग भड़की छे। तारे मणिपुर पड़ोसी राज्य मिजोरम में रहता मेते समुदाय आश्रे 10,000 लोगों आ दहशत कारण हिजरत शुरू करी है। मणिपुर सरकारे आइजोल थी इम्फाल और आसाम माटे रविवार थी 2 विशेष फ्लाइट शुरू करने निर्णय लेव पड़ो। आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढाए जणाव्युं छे कि दिल्ली सरकार विरुद्ध केन्द्र सरकार जे वटहुकुम लावी छे तेने संसद में रजू करवू गैरकानूनी और अयोग्य छे। सुप्रीम कोर्ट की बेंचे दिल्ली में अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर की सत्ता चूंटायेली दिल्ली सरकार ने आपी हती, परंतु केन्द्र सरकारे वटहुकुम लावी तेने पलटावी दीधुं। चोमासामां डांग जिल्लामां प्राकृतिक सौंदर्य सोळे कलाए खीली उठ्युं छे। गिरिमथक सापुतारा सहित समग्र डांग जिल्लामां वरसादी वातावरण वच्चे कुदरती सौंदर्य जाम्युं छे। तेमां मिनी नायग्रा गणातो गिरिधोध लोकोमां आकर्षणनुं केन्द्र बनी रह्यो छे। रविवारनी मजा माणवा प्रवासीओने भारी भीड पण उमटी पड़ी हती। हवामान विभाग की आगाही अनुसार छेल्ला 24 कलाक में महिसागर जिला में सार्वत्रिक मेघमहर जोवा मळी हती। जिल्लाना वीरपुर में 4.25 इंच, सतरामपुर लुणावड़ा तालुका में 2 इंच, कंडाणा में 2.25 इंच, खानपुर और बालासिनोर में 1 इंच से वधु वरसाद नोंधायो हतो। अमदावाद में पड़ेला वरसाद ने कारण लोगोना मालसामाने नुकसान थयुं छे। अमदावादना वस्त्रापुर विस्तार में आवेला आनंद अने हरि कॉम्प्लेक्स दुकानों में पाणी भराई जता दीवाल धराशायी थई हती। दुकानोमांथी कोर्पोरेशन द्वारा वोटर पंप मूकीने पाणी खेंचवामां आव्युं हतुं। दुकानदारोनुं कहेवुं छे कि थोड़ा वरसाद में ज पाणी भराई जाय छे अने नुकसानी अंगे कोर्पोरेशन मदद करे तेवी दुकानदारोनी मांग छे। अमदावाद में पड़ेला 5 इंच वरसाद कारण मीठाखड़ी अंडरपास स्विमिंग पूल बनी गयो छे। जो कि वरसाद वरसी गया पछी 12 कलाक वीती गया होवा छतां अंडरपास में पाणी ओसरे नथी। अंडरपास में 2 फूट जेटला पाणी भराता मीठाखड़ी गामना रहीशोने गामनी बहार जवामां अगवडतानो सामनो करवो पड़ी रह्यो छे। अमदावाद में पड़ेला भारे वरसाद ने 12 कलाक वीती गया छतां शहर अमुक विस्तारों में पाणी ओसरे नथी। शहर वोराना रोजा पासे आवेली चाली पासे हजू पण वरसादी पाणी भरायेला जोवा मळी रह्या छे। आ स्थळों पर वर्षोथी पाणी भरावानी समस्या यथावत छे। आ करीने आ दृश्य जोईने चोक्कस सवाल थाय छे कि एसी चेम्बर ना बैठेला तंत्रना अधिकारीओ क्यारे जागे छे। बोटादमां नांगलपर दरवाजा पासे मधु नदी में पूर आव्युं। नदीना धसमसता प्रवाह रस्ता पर फरी वळ्या हता। दरमियान एक ट्रेक्टर साथे चालक तणायो भाभण जवाना रस्ता पर नदीना भारे प्रवाह वच्चे ट्रेक्टर साथे रस्तो पसार करवानो प्रयास कर्यो त्यारे ट्रेक्टर पलटी खाई गयुं हतुं। स्थानिकोए पोताना जीवना जोखमे धसमसता प्रवाहमांथी ट्रेक्टर चालकने बचावी लीधो हतो। पालनपुरना नेशनल हाईवे नजीक सामान्य वरसाद में पाणी भराता बे ट्रक फसाया हता। बे ट्रक फसाता हाईवे पर वाहनों की 4 किलोमीटर सुधी लांबी कतारों लागी हती। जो कि क्रेन द्वारा ट्रकों ने बहार काढ़वानी कामगीरी हाथ धरवामां आवी छे। जूनागढ़ में आकाश में पड़ेली आफत बाद वाडला फाटक में आवेला गार्डन सीटी पास हजी पर पाणी ओसरे नथी। वरसादे विराम लीधा बाद पण चारेक ओर मात्र पाणी ज पाणी छे जेना पगले लोकोने पारावार मुश्केलीनो सामनो करवानो वारो आव्यो छे। जामनगर जिला में अधिक मास में अनराधार वरसाद वरस्यो छे। जामनगर जिलाना चंद्रगढ़ में भारी मेघ खागा थया हता। जामनगरना लालपुर तालुका में पण 2 इंच थी वधु वरसाद खाबक्यो हतो। जामनगरना धोल सहित विस्तार में पण वरसादी माहौल छवायो हतो। जामनगर शहर तथा जिलाना अनराधार वरसादथी रंगमती डेम ओवरफ्लो थयो हतो।
जूनागढ़ में पड़ेला भारे वरसाद कारण जूनागढ़ शहर रायजी बाग सहित अनेक विस्तारों में पानी भराई गया था। सौराष्ट्र भर फायर ब्रिगेडों की मदद वड़े घर में घुसी गये कादव कीचड़ ने बाहर काढ़वा की कामगिरी शुरू कर उपरांत मुबारकबाद नजीक काढ़वा नदी पुल जोखमी थी जता तंत्र द्वारा पुल ने बंद करने फरज पड़ी थी। जूनागढ़ मांगरोड़ घेड पंथक में फरी एक बार जलबंबाकार जेवी स्थिति उभी थई छे। मांगरोड़ सामरडा घेडना दगसियों सामे आव्या के ज्यां लोकोना घरों में केळसमा पाणी घुस्या छे। हजू पण सतत पाणी में वधारो थता जोवा मळी रह्यो छे। घेड पंथकना अनेक गामों में 1592 लोकोनुं स्थळांतर करवामां आव्युं छे। सुरेन्द्रनगर शहर नो धोड़ीधजा डेम उपरवास में पड़ेला भारे वरसाद ने पगले 90% भराई जता तंत्र द्वारा 14 गामों ने एलर्ट करवामां आव्या छे। धोड़ीधजा डेम की कुल जल सपाटी 80.48 मीटर छे, जेमां हाल 80.12 मीटर पानी भराई जता गमे त्यारे ओवरफ्लो थवानी शक्यता वच्चे वढवाण भड़ियात जोरावनगर रतनपर सांकड़ी खमीसाणा मेमका नाना केराळा सहित गामों ने एलर्ट करवामां आव्या छे। सूरत में आवेला पालनपुर जकात नका हाईवे खाते वरसादी पानी भराता लोकोने हालाकी वेठवानो वारो आव्यो छे। महत्वनुं छे के मोड़ी रात सुधी सूरतना विविध जग्याए वरसाद पड्यो हतो, जेना कारणे सूरतना विविध विस्तारों में पानी भराया हता। वरसादने पगले कतार गामना वडला सर्कल परनो रोड पानीमां गरकाव थयो हतो। वरसादी पानीनो एकाल नहीं थता लोकोने भारे हालाकीनो सामनो करवो पड्यो हतो। सूरत शहर में हवामान विभाग की आगाही प्रमाण भारे वरसाद खाबक्यो। सूरत अनेक विस्तारों में वरसाद की तोफानी इनिंग जोवा मळी। शहर उधना रांदेर अडाजण अठवा वराचा सहित विस्तारों में वरसाद खाबक्यो, जेना पगले रोड रस्ताओ पर पानी भराया हता। नवसारी शहर में पूरना पानी ओसर्या बाद नवसारी नगरपालिका तंत्र कामे लाग्यू हतू। पानी भरावाथी थयेला नुकसानीना सर्वे माटे नाणामंत्री कनुभाई अध्यक्षता में हाई लेवल कमिटी की तात्कालिक बैठक मळी हती। आ मीटिंग में जिला कलेक्टर प्रांत अधिकारी मामलतदार चीफ ऑफिसर और राजकीय पक्षना होद्देदारों हाजरी आपी हती। नवसारी जीवादोरी गणातो केलिया डेम 100% भराता ओवरफ्लो थयो छे, तो हाल केलिया डेम में 93 क्यूसेक पानी की आवक जोवा मळी रही छे। हाल केलिया डेम 0.05 मीटर थी ओवरफ्लो थई रह्यो छे। सूरत में भारे वरसाद कारण सारथी रेसिडेंसी खाते दीवाल धराशायी थी थी। दीवाल धराशायी थता 3 मोटरसाइकल 3 फोर व्हील कार ने नुकसान पहुंचू छे। सदनसीबे आ घटना में कोईपण प्रकार की जानहानि थई नथी, तो फायर विभाग और पालिका की बिल्डिंग इंस्पेक्टर की टीम घटनास्थले पहुंची थी। वडोदरा शहर में वहली सवारथी 5 इंच वरसाद खाबक्यो हतो, जेने पगले उंडेरा गोरवा वासरा तळाव उभराया हता। ज्यारे सुभानपुरा पैसनपुरा नवा यार्ड गोरवा में लोकोना घरों में पाणी भराया हता। तंत्र उगतुं रह्युं अने रात्रे लोकोने उजागरा करवानो वारो आव्यो हतो, ज्यारे 10 झाड़ पड्या हता। विश्वामित्री सपाटी सवारे 14 फूट थई हती। जसदनना जसदन आटकोट वीरनगर बघोई जसापर हलिंडा नवा गाम जीवापर गरणी पांचवड़ा गामे धोधमार वरसाद वरस्यो हतो। बघोई गामे भरेला वरसाद ने कारणे इकोकार वरसादी पानी में तणाई हती। वरसादी आंकड़ा पर नजर करिए तो बघोई वीरनगर जसापर पांचवा गामे 3 कलाक में 7 इंच वरसाद खाबक्यो हतो। भावनगर शहर में पड़ेला भारे वरसाद ने कारणे अनेक विस्तार जलमग्न थया छे। शहर ज्वेल सर्कल पास आवेला गौरीशंकर सोसायटी तेमज आजूबाजू की सोसायटी में केळसमा पानी भराया था, तो लोकोना घरों में पानी घुसी जवाने कारणे लोकोने घर वखरीने व्यापक प्रमाण में नुकसान थयुं छे। भावनगर में 5 दिवस वरसाद की आगाही पगले शहर में मोड़ी रात थी 4-5 कलाक सुधी धोधमार वरसाद वरस्यो, जेना कारणे भावनगर शहर नीचाणवाड़ा विस्तारों में पानी भराया हता। भावनगर शहर कुंभारवाड़ा काड़ियाबीड लीला सर्कल भागली गेट सहित विस्तारों में पानी भराया, तो सोसायटी में लोकोना घर में पानी घुसी जता लोकोने घर वखरीने व्यापक नुकसान पहुंच्यु हतु। हवामान विभाग की आगाही अनुसार राजकोट ग्राम्य विस्तारों में धोधमार वरसाद वरस्यो हतो। सरधार अने आजूबाजू गामडाओं में धोधमार वरसाद वरसता स्थानिक नदियों बे कांठे वहती गई थी, तेमज रामडिया गामे बे पशुओं पण पाणीना वहेण में तणाया हता।
राजकोट जिलाना ग्राम्य विस्तारमां पण सार्वत्रिक वरसाद वरस्यो हतो। मेटोडा जीआईडीसी विस्तारमां पण रात्रि दरमियान वरसाद वरसवाथी राजकोट कालावाड रोड पर पाणी भराया हता, तेमज वरसादना कारणे लोधिकानी फोफा नदी बे कांटे वहेती थई हती। राजकोटना गोंडलमां उपरवासमां भारे वरसादने पगले गोंडलनी नदीओ गांडीतूर बनी, तो गोंडलना बघोई गामे वांकडू नदीमां इको गाड़ी तणाई हती, तो बीजी तरफ हालेंडानुं उमराळी गाम संपर्क विहोणुं बन्युं हतुं। महत्वनुं छे के भारे वरसादनी आगाही वच्चे सौराष्ट्रमां बारे मेघागा छे। राजकोटना उपरवासमां भारे वरसादने कारणे आजी नदी बे कांटे वहेती थई हती। रामनाथ महादेव मंदिर पासे आवेली आजी नदीमां बीजी वक्त घोड़ापूर आव्युं हतुं, तो आ दरमियान रामनाथ मंदिरनी दीवाल पासे एक व्यक्ति फसाई जता स्थानिको द्वारा व्यक्तिनुं रेस्क्यू करवामां आव्युं हतुं। राजकोटमां भारे वरसादना कारणे राजकोट भावनगर हाईवे पर आवेला खारचिया गाममां 3-4 फूट सुधी पाणी भराया जोवा मळ्या हता। गामनी बजारो अने घरोमां ज्यां जुओ त्यां पाणी जे पाणी जोवा मळी रह्यो छे। सरदार अने आसपासना गामडाओमां धोधमार वरसाद वरसी रह्यो छे। राज्यमां भारेथी भारे वरसादनी आगाही वच्चे जूनागढ़मां भारे मेघागा थया छे। वहेली सवारथी वरसी रहेला वरसादना लीधे जूनागढ़नी हालत खूब ज गंभीर बनी छे। मात्र बे कलाकमां ज मेघराजा एवो कहर वर्ताव्यो के समग्र जूनागढ़ शहर दरियामां फेरवायुं होय तेवी स्थिति सर्जाई छे। धसमसता पाणीना प्रवाहे जूनागढ़वासीओने ध्रुजावी दीधा हता। કેસોદનો ગેડ પંથક ફરી એક વખત બેટમાં ફેરવાયો છે। ઉપરવાસના જૂનાગઢ 15, વિસાવદર 6, મેદરડા 7, કેસોદ 5 ઇંચ વરસાદ પડતા ગેડ પંથક પાણીમાં ફેરવાયો, તેમજ ઓઝત, ઉબેન, સાંભલી, મધુવંતી સહિત નદીઓમાં ઘોડાપૂર આવતા સમગ્ર ગેડ પંથકમાં પાણી જોવા મળી રહ્યું છે। ઓઝત નદીના પાર રૂડતા પાણી દક્ષિણ તરફના ગેડ પંથકના ગામડાઓ તરફ ફાટતા ગામડાઓ સંપર્ક વિહોણા બન્યા છે। હાલ રાજ્યમાં વરસાદનો ત્રીજો રાઉન્ડ ચાલી રહ્યો છે। ત્યારે ડાંગ જિલ્લામાં વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો હતો। ગિરિમથક સાપુતારામાં ગાઢ ધુમ્મસ છવાતા આહલાદક માહોલ સર્જાયો હતો। ઝીરો વિઝિબિલિટીને કારણે વાહન ચાલકોને હેડલાઇટ ચાલુ કરી વાહન હંકારવાની નોબત આવી હતી। અમલીના બાબરા ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં વરસાદે સટાસટી બોલાવી હતી। બાબરાના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં વહેલી સવારથી વરસાદી માહોલ જાણતા ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં 3-4 ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો હતો, તેમજ લાઠી બાબરા શહેર અને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વહેલી સવારથી છૂટાછવાયો વરસાદ વરસી રહેલા માહોલના વચ્ચે શેખ પીપરિયામાં પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ હતી। બાબરા શહેરમાં ધોધમાર વરસાદ પડતા શિવાજી ચોક વિસ્તારમાં પાણી ભરાયા હતા। વલસાડના ધરમપુરના ભવાડા ગામમાં શમશાનના ભાવે વરસતા વરસાદમાં અંતિમ વિધિ યોજાઈ હતી। આ દ્રશ્યોમાં ચોક્કસપણે જોઈ શકાય છે કે મૃતકના સ્વજનો દ્વારા અંતિમ સૈયા પર પ્લાસ્ટિક પકડીને ઉભા રહી અંતિમ વિધિ કરવી પડી હતી। બનાસ નદી કિનારે લોકોની બેદરકારી સામે આવી છે। વહીવટીતંત્રની કડક સૂચનાઓ છતાં અનેક લોકો બેદરકાર બની નદીના ધસમસતા પ્રવાહમાંથી પસાર થયા હતા। પાણીના વહેણમાંથી અવરજવર કરતા હોવાનો વિડીયો પણ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો હતો। નદીમાં મોટા ખાડા હોવાથી લોકોને વહેણમાં ન જવા તંત્રએ સૂચના આપી હતી। કડક સૂચના છતાં લોકોની લાપરવાહી છતી થઈ હતી। બનાસકાંઠાની લાખણી એપીએમસી સુપર સીટ થતા સહકારી રાજકારણમાં ગરમાવો આવ્યો છે। લાખણી એપીએમસીના ચેરમેન સહિત 13 ડિરેક્ટરોને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા હતા। કર્મચારીઓની બિનઅધિકૃત ભરતીને લઈને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા હતા। જાગૃત નાગરિક દ્વારા બિનઅધિકૃત ભરતીને લઈને ઉચ્ચ કક્ષાએ રજૂઆત કરવામાં આવી હતી। 13 ડિરેક્ટરોને સસ્પેન્ડ કરી લાખણી એપીએમસીમાં વહીવટદાર મુકાયા છે। નર્મદાના ડેડિયાપાડામાં મણિપુરમાં બે મહિલાઓને નિર્વસ્ત કરાયેલી ઘટનાનો વિરોધ કરીને બંધ પાડવામાં આવ્યો હતો। આદિવાસી વિવિધ સંગઠનો, કોંગ્રેસ, બીટીસી સહિત આદિવાસી સમાજના લોકોએ સજ્જ બંધ પાડ્યું હતું। મણિપુરની મહિલાઓ સહિત અન્ય લોકોના ન્યાય માટે માંગ કરવામાં આવી હતી। આમ આદમી પાર્ટીના ગુજરાત પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ અને ડેડિયાપાડાના ધારાસભ્ય ચેતર વસાવાએ આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો હતો। મણિપુરની ઘટનાને લઈને આદિવાસી સમાજ દ્વારા ભારત બંધનું એલાન અપાતા તેમના સમર્થનમાં મોરા ગામના બજારો પણ સંપૂર્ણપણે બંધ જોવા મળ્યા હતા। મણિપુરની ઘટનાનો વિરોધ કરતા વેપારીઓએ મોરાના બજારો સંપૂર્ણપણે બંધ રાખ્યા હતા।
वलसाड जिल्लामां मणिपुरनी घटनाने लईने आदिवासी समाज द्वारा धरमपुर बंधनुं एलान आपवामां आव्युं हतुं। मणिपुरनी घटनाना आरोपीए विरोध कड़क कार्यवाही करवानी मांग साथे आदिवासी समाजे बंद आप्युं हतुं। बंधना मुद्दे सवारथी ज धरमपुरनी बजारो बंद जोवा मळी हती। પોરબંદરના કુતિયાણામાંથી લાખો રૂપિયાનું ડ્રગ્સ ઝડપાયું છે। કુતિયાણા ગામ નજીકથી 57.4 ગ્રામ ડ્રગ્સ ઝડપી પાડવામાં આવી છે। તો આ મામલે પોરબંદર સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપની ટીમે 9,32,000 ના મુદ્દામાલ સાથે એક કિશોર અને એક યુવતીની ધરપકડ કરી આગળની તપાસ હાથ ધરી।